लोग पूछते हैं, भाई आम आदमी पार्टी करेगी क्या? सिर्फ भ्रष्टाचार का विरोध करेगी? हम कहते हैं विरोध नहीं करेगी, सबसे पहले तो सजा दिलवाएगी, चाहे वो अफसर हो, चाहे बिल्डर हो, चाहे मंत्री या संतरी। जिन भी लोगों ने पिछले 20 साल से जिस तरह का भ्रष्टाचार किया है उनकी जांच होगी, और जो दोषी पाया जाएगा उसे जेल भेजा जाएगा, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। लेकिन साथ ही साथ आम आदमी पार्टी एक ऐसी व्यवस्था बनाएगी जिसमें भ्रष्टाचार हो ही ना। नौकरियों में या तो इंटरव्यू हो ना, और अगर हो तो वीडियो रिकॉर्ड किया जाए ताकि जनता देख सके, भाई किसको ज़्यादा नंबर मिल रहे हैं, किसको कम नंबर मिल रहे हैं और क्यों मिल रहे हैं, ताकि बच्चों को योग्यता के आधार पर नौकरी मिले, सिफारिश और पैसा के आधार पर नहीं। भूमि अधिग्रहण की हर चीज़ को पारदर्शी बनाया जाएगा ताकि पता लगे कौन सी जमीन एक्वायर हो रही है, किसको छोड़ा जा रहा है, किस पे सेक्शन 6 लगाया जा रहा है, किस पे नहीं लगाया जा रहा है, क्या कारण है। किसान की आमदनी बढ़ाने की जरूरत है। अगर किसान फसल पे 100 रुपया खर्च करता है तो उसे कम से कम 150 रुपया तो मिलना चाहिए, नहीं तो किसान कैसे बचेगा, कैसे अपना गुजारा कर सकेगा। इस प्रदेश में नशे के सवाल पे आम आदमी पार्टी नियंत्रण लगाने की कोशिश करेगी। गांव के नजदीक ठेका खुले या ना, इसका फैसला गांव की औरतें करेंगी। जब औरतों के हाथ में ताले की चाबी आ जाएगी तो नशे पे अपने आप नियंत्रण आएगा। आम आदमी पार्टी स्कूलों की हालत बेहतर करेंगी ताकि लोग प्राइवेट स्कूलों की तरफ भागने की बजाय सरकारी स्कूलों में बच्चों को भेजें। सरकारी अस्पताल को बेहतर बनाएगी ताकि लोगों को भरोसा हो कि सरकारी अस्पताल में जाके डॉक्टर मिलेगा, इलाज होगा, दवाई मिलेगी, टेस्ट होगा। आम आदमी पार्टी हरियाणा का चेहरा बदलना चाहती है। आम आदमी पार्टी आम आदमी के दुख तकलीफ को दूर करने का सपना रखती है।